हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग लाइफ इन स्वीडन। सो आज मैं शेयर करूँगी एक क्विक रेडी टू ईट पिज़्ज़ा की टिप्स। डिनर के लिए कुछ खाने के लिए बनाने का मूड नहीं कर रहा। सो ये मैंने लिया था यहाँ के ग्रोसरी स्टोर लिडल से वीगन पिज़्ज़ा, जो सबसे बेस्ट चीज़ होल मिल्क फ्लावर से बना है और चीज़ नहीं है इसमें। सो मैं इसे बेक करूँगी। अमन प्री हीट पर रख दिया है और एक्स्ट्रा चीज़ डालेंगे इसमें। ये मुझे मिली थी टेक्स मिक्स की चीज़ मिक्स, मोज़रेला भी डाल सकते हैं बट मोज़रेला ख़त्म हो गई है। सो शायद यहाँ पे सोया चीज़ है ये। ओके खाती जा पा। सो इस पे इंस्ट्रक्शन दिए है, बस लिखा तो है, थोड़े टाइम में हो जाएगा। बहुत भूख लगी है पिज़्ज़ा देख के, और भूख लग रही है। इसे डिफ्रॉज नहीं करना है, सीधा फ्रिज से निकाल के रख देना है। 6 से 8 मिनट दिखाता है, अब 6 से 8 मिनट सबर करना है। टोमेटो है, थोड़ा सा बासिल फ्लेवर है और ये इसका क्रश बहुत अच्छा है। पति को खाना है मुर्ग मसाला, ऑर्डर कर लो जोमेटो पे। ऐसे दिन पता नहीं याद करके बस मुंह में टेस्ट लाओ। जोमेटो करके या फूडोरा करके भी नहीं मिलने वाला वो टेस्ट। पता नहीं पिज्जा के नाम पे कच्चा सब्जी खिलाते। ऐसे मैंने ये वाली चीज और ये वाली चीज स्प्रेड कर दी है। यू कैन ऑल्सो ऐड योर चॉइस ऑफ वेजीज, कैप्सिकम या चिकन या कुछ भी, बट इतनी भूख नहीं है, मतलब इतना ही नफ है। तो मैं बस इतना ही बेक करने रख देती हूँ। मेरा पिज्जा रेडी और इसको हम कट कर लेंगे गरम गरम में ही। बड़ी छुरी से चीज़ भी अच्छे से पिघल गई है। अच्छा, बहुत भूख लगी है, खा लेते हैं। गन्ना मौसम हो चुका है, काले बादल, एक साइड साफ आसमान और स्नो के करे। एक साइड काला आसमान, एक साइड साफ आसमान। से उस दिन ये वाली रग जो 150x190 सेम डायमेंशन है जो मेरी पहले वाली थी, बट जस्ट आई वांट समथिंग इन लाइट कलर बिकॉज वो ब्लैक कलर की थी एंड वो बहुत ही छोटा दिखता था, ऑलरेडी छोटा है। सो हम इसे अनपैक करते हैं एंड बिछाते हैं। उल्टी साइड फोल्ड कर दिया है ताकि उसकी क्रिस्प निकल जाए। शबे बारात के बड़े दिन, बड़ी रात को आप लोग सब ने पेट भर की इबादत की होगी, दुआएं मांगी होगी। बस हमने भी थोड़ी मोटी तैयारी की, इबादत की, अच्छे से नमाज पढ़ी लैतुल कद्र की, और बस रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। घर को थोड़ा तो मैंने ऐसे सेट किया है ब्राउन सोफ़ा के साथ, ऑफ वाइट बादामी कॉन्ट्रास्ट में मैट एंड ताड़ा, मेरा ड्राॅइंग रूम का न्यू लुक। न्यू लुक तो क्या, मैट ही नहीं है, बाकी तो सब सेम है। रमज़ान के टाइम हम कुछ सोचेंगे। सो मैंने मेरा डीम लाइट जला लिया है, नाइट लैम्प, एंड उसके बाद भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे ना एक मुझे फ्रेम बनानी है जो मैं DIY बनाऊँगी, खुद से पेंट करूँगी, कैनवास और मटेरियल ला के रखा है। देखते कब टाइम मिलता है तो मेरा ये लुक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और स्प्रिंग की सीज़न में इतनी सारी स्नो पता नहीं कैसे हो रही है। मुझे लगता है गोथनबर्ग का वेदर एक मंथ रिवाइंड हो गया है, वो फरवरी में चला गया है। स्प्रिंग की जगह इतनी सारी स्नो हो रही है, दरवाज़ा तक नहीं खुल रहा था। धीरे धीरे हो रही है, इतनी स्नो स्ट्रॉन्ग हुई कि मेरी इंडक्शन हीट नहीं हो रही थी, गर्म नहीं हो रही थी, इतना देर लगा। बहुत दिनों से मीठा भी नहीं खाया था तो आज मैंने सोचा मैं रबड़ी बनाती हूँ। तो मैं ब्रेड
एंड मिल्क की रबड़ी ट्राई कर रही हूँ पहली बार। तो 1 लीटर मिल्क को मैंने उबालने रख दिया है और ये जब तक हाफ होगा तब तक मैं इसे स्लो पे कुक करूँगी और इसकी बार बार हला हला के इसकी मलाई साइड पे करते जाए तो दूध गाढ़ा होगा। और फ्रेश ब्रेड के छोटे से टुकड़े कर दिए हैं मैंने साइड की किनारी हटा के और 2 स्लाइस ब्रेड का क्रम्स बना लिया है। मेरे पास कंडेंस मिल्क पिलाई में बट पता नहीं मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया तो कितना स्वीट है उस हिसाब से मुझे पहली बार बनाना है तो ट्राई करेंगे कैसे बनता है। दूध थोड़ा गाढ़ा होने आया है इस पॉइंट पे मैं केसर वाला मिल्क ऐड कर लूँगी। मैंने केसर ऑप्शनल है मेरे पास थी तो मैंने गर्म दूध में भिगा के रखी थी तो भी कलर आ जाएगा इसका। 1/3 होने आया है इस टाइम पे मैंने जस्ट ब्रेड क्रम्स डाला तो वो और गाढ़ा हो जाए। और मैंने ड्राई फ्रूट्स भी पीस लिए हैं, इसमें है पिस्ता बादाम एंड काजू, मैं ये भी डाल दूँगी। और 2 इलायची भी डाल रही हूँ कूट के, इलायची मुझे ज़्यादा नहीं पसंद तो मैं कम डाल रही हूँ, यू कैन ऐड मोर। सो इसकी कंसिस्टेंसी जितनी तुम्हें चाहिए तब तक दूध जलाए पकाए मतलब, और मुझे इतनी चाहिए इतनी गाढ़ी। तो उस पॉइंट पे शुगर डाल दें, मैं कंडेंस मिल्क का रिस्क नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरी रबड़ी बहुत ही अच्छी दिख रही है। और पता नहीं ये वाला कैसा होगा, मैं एक बार टेस्ट करूँगी किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि इतनी थिकनेस सही है, ठंडी होकर और गाढ़ा होगा। तो मैं इस पॉइंट पे शुगर डाल रही हूँ अपने हिसाब से 2-3 टेबल स्पून एंड उसके बाद मैं ये ब्रेड के छोटे टुकड़े भी डिप कर लूँगी फॉर अ गुड टेक्स्चर। 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाली है क्योंकि मैं कम मीठा खाते हैं हम। और शुगर डालने के बाद थोड़ी देर ही पकाए, 3-4 मिनट, उसके बाद बंद कर दे क्योंकि शुगर डालने के बाद वो कैरेमलाइज होगी तो नीचे दाग लगने लगेगा। तो बी केयरफुल, हिलाते रहे बीच बीच में चम्मच अच्छे से। गेहूँ का थोड़ा सा आटा था जिसमें से मैंने ये 5 पूरी बना ली है। तो यू कैन सी एक भी पूरी अच्छे से फूली नहीं है, सिर्फ एक ही अच्छे से फूली है क्योंकि आटा बहुत ऑयली नहीं था और रोटी का जैसे बनाते वो वाला आटा था। तो मैंने पूरी के हिसाब से जो कया होता था शायद फूल सकती थी, बट कोई नहीं, पूरी भी बन गई मेरी। वैसे रबड़ी ऐसे ही खाते हैं, पूरी तो मेरी इच्छा हो गई थी बनाने की तो मैंने बना ली। टेस्टी ड्राई फ्रूट डालो, थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस कर डाले हैं ना भुका करके, बादाम डालो ऊपर से बहुत जबरदस्त लगेगी। ये हो गई दूसरे दिन की सुबह और जब से कोविड आया मुझे आने थे अपना सेल्फ पैम्पर खुद से ही करने के, तो मैंने खुद से ही हेयर कट की आज। जीशान दिल्ली का दरवाजा कैसा बना? गाड़ी बनाया मेरे दरवाजे इधर से देख, क्या है यहाँ बीच में से देख, 1, 2, 3 दरवाजे नहीं समझ आया, बहुत ही गंदा था इस ईशान। हाँ मतलब आई वाज ट्राइंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ओके। बहुत बड़ा बना दिया ना, नहीं पूरा पाँव नहीं, मस्त पूरा था एकदम। मैंने यहाँ बैठने के लिए दर्शाओ, हम स्नो का मजा लेते छोटे बच्चों की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।